الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ فجر کی دو آیاتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. ان میں سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک برائی کا بیان فرمایا ہے، اور در حقیقت بیان یہ چل رہا ہے کہ تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں یا پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں تو ان کا سبب بعض اوقات خود تمہارے اپنے اعمال ہوتے ہیں. ان میں چار چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. ایک یہ کہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے، ایک یہ کہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے، تیسرے یہ کہ میراث کے مال کو لپیٹ لپیٹ کر کھا جاتے ہو، اور چوتھے یہ کہ مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو. میراث کے بارے میں پچھلے دو جمعہ میں نے مختصراً عرض کیا تھا کہ اس میں ہمارے معاشرے میں خاص طور پر کتنی خرابیاں پائی جاتی ہیں اور اس سے کتنے مفاسد، کتنے نقصانات پورے معاشرے کو پہنچتے ہیں، اور حرام خوری کی ایک فضا بنتی ہے جو معاشرے کے لیے مہلک اور تباہ کن ہوتی ہے. ان ساری بیماریوں کا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی سبب اور ان بیماریوں کی جو اصل جڑ ہے اس کا بیان فرمایا کہ تحبون المال حبا جما، تم مال سے محبت کرتے ہو بہت زیادہ. یہ مال سے بہت زیادہ محبت کرنا یہ بنیادی بیماری ہے جس کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ بڑی اہم اور بنیادی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کریم میں بیان فرمائی کہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے مال سے بہت زیادہ محبت کرنا. اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر گناہ، ہر غلطی، ہر خرابی کی بنیاد ہے. اب یہاں پر
ये बात समझने की जरूरत है कि कुछ ना कुछ मोहब्बत तो इंसान को अपने माल से होती ही है, और खुद कुरान करीम ने एक जगह पर फरमाया है कि ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसा والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة, के इंसान के लिए इन चीजों की मोहब्बत, दुनिया के साजो सामान की मोहब्बत मुजयन कर दी गई है, यानी उसकी फितरत में दाखिल कर दी गई है कि इन चीजों से मोहब्बत होती है। अगर ये मोहब्बत ना हो, बिल्कुल ही ना हो, तो फिर आदमी रोजी कैसे कमाए, आदमी फिर तिजारत कैसे करे। तिजारत इसलिए करता है कि कुछ माल हासिल हो, और जायज हदूद में तिजारत करने की फजीलतें भी बहुत आई है हदीस में, और यह भी फरमाया गया है कि कस्बुल हलाली फरीजतुन बादल फरीजा, हलाल रोजी कमाना ये और फराइज के बाद दूसरे नंबर का फरीजा है जो इंसान के जिम्मे है, अल्लाह ताला ने लगाया है। तो अगर मोहब्बत बिल्कुल ना हो तो आदमी जिंदगी नहीं गुजार सकता, जिंदगी की जरूरियात पूरी नहीं कर सकता। ये माल और दौलत, ये असबाब, जाहिर असबाब और साजो सामान, ये इंसान की जिंदगी का एक लाजमी उनसुर है, इसके बगैर आदमी जिंदगी गुजार नहीं सकता। खाए कहाँ से, पहने कहाँ से, घर कहाँ रहे, सर सर कैसे छुपाए, ये सारी चीजें जो है ये जाहिर है कि माल और दुनिया के साजो सामान ही से मुताल्लिक हैं। इस वास्ते ये मोहब्बत तो फिल जुमला इतनी मोहब्बत कि जिससे अपने इंसान जरूरियात पूरी कर सके, वो तो इंसान के फितरत में भी दाखिल है, और शरीयत ने उसके ऊपर कोई रोक टोक, कोई ममानात भी नहीं की। लेकिन जो चीज मना है वो है जिसको यहां कहा हुब्बन जम्मा, बहुत ज्यादा मोहब्बत। और दूसरी सूरह आदियात के अंदर फरमाया व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, के बंदा जो है इंसान वो माल और दौलत की मोहब्बत बहुत ज्यादा दिल में रखता है, शदीद है, उसमें शिद्दत के साथ मोहब्बत करता है। यह है दरहकीकत मना, और उसका जो पैमाना है वो ये है कि जब तक आदमी हलाल का एहतमाम करता रहे कि जो कुछ कमाऊं हलाल तरीके से कमाऊं, जो आमदनी आए हलाल तरीके से आए, अगर आदमी इस बात का पूरा लिहाज रखता है कि जो कमाई होगी, जो आमदनी होगी वो हलाल तरीके से होगी, और हराम से इस तरह परहेज करे जैसे कि आग से परहेज करता है, तो इसका मतलब यह कि उसकी मोहब्बत शदीद नहीं है, और उसकी मोहब्बत वो हुब्बन जम्मा में दाखिल नहीं है। और अगर मोहब्बत उसको ले जाए हराम चीज की तरफ, हराम आमदनी की तरफ, यह है वो मोहब्बत की जो मना है, जिसको हुब्बन जम्मा फरमाया गया, जिसको बीमारी की जड़ करार दिया। अगर पहली वाली मोहब्बत हो, यानी हदूद में रहकर, हलाल के हदूद में रहकर, तो एक जगह से आदमी को अगर 10 रुपए मिल रहे हैं हलाल तरीके से, और दूसरी जगह से 10,000 मिल रहे हैं हराम तरीके से, तो वो 10 को तरजीह दे देगा, 10,000 पर लात मार देगा कि ये 10,000 मेरे किसी काम के नहीं, ये जहन्नम के अंगारे हैं, ये आग के अंगारे हैं, मैं इनको किसी कीमत पर कबूल नहीं कर सकता। वो रूखी सूखी खा लेगा, मोटा छोटा पहन लेगा, गुर्बत की जिंदगी गुजार लेगा, लेकिन हराम की तरफ नहीं जाएगा अगर दिल में उसकी मोहब्बत है, ऐसी मोहब्बत है कि जो हुदूद के अंदर है। तो अल्लाह तबारक व तआला ये एहसास दिल में पैदा फरमा दे
तो ये जो कुछ भी मैं माल दौलत या साधो सामान दुनिया के रखता हूं, ये सब जरूरत के मातहत है। अपनी नफ्स की जरूरत के तहत भी, अपने बीवी बच्चों की जरूरत के तहत भी, और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के तहत भी, कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनका हुकूक अदा करो, उसके हद तक ये कर्ज में करता हूं। लेकिन जहां कोई हराम आ जाए तो उस हराम से इस तरह परहेज करे जैसे सांप से, बिच्छू से, आग से, तबाही से परहेज करता। ये मेयार है सही मोहब्बत और गलत मोहब्बत का। और हकीकत बात यह है कि जिस मोहब्बत का जिक्र मैंने अर्ज किया कि थोड़ी बहुत होती ही है और होनी भी चाहिए, वो हकीकत में मोहब्बत नहीं है, वो जरूरत है कि एक जरूरत के तहत मैं ये काम अंजाम दे रहा हूं। और उस जरूरत के तहत का अंजाम देते हुए उसकी मोहब्बत दिल में इस तरह नहीं बैठ जाती कि हर वक्त दिल दिमाग पर वही छाया हुआ है, कैसे ज्यादा कमाऊं, कैसे ज्यादा पैसे हासिल हो, किस तरह मैं ज्यादा से ज्यादा सामान हासिल करूं, किस तरह अपनी सब हर वक्त दिलो दिमाग पर वही चीज मुसल्लत रहे, सुबह से शाम तक उसी दौड़ धूप में लगा हुआ है और दिमाग पर वही ख्यालात तारी हैं। ये चीज जो है चाहे वो हलाल तरीके से भी हो, लेकिन ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। और इसका नतीजा भी बिल आखिर ये होता है कि जब वो मोहब्बत इस तरह दिल दिमाग पर छा जाती है, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, तो जब यह दिल दिमाग पर छा जाती है तो फिर वो हुदूद भी कायम नहीं रहती। किसी वक्त इंसान उस मोहब्बत की वजह से गुनाह के काम में, हराम काम के अंदर में मुब्तला हो जाता है। इसलिए फरमाया गया है कि दुनिया हासिल करो लेकिन मोहब्बत उसके दिल में ना जमाओ, उसकी मोहब्बत दिल में ना हो। यह है जो असल मतलूब है। और हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने मसनवी में इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है। वो फरमाते हैं कि आप अंदर देर कश्ती पुश्ती अस, आप दर कश्ती हलाके कश्ती अस। वो फरमाते हैं कि इंसान की मिसाल कश्ती किसी है जो पानी में चलती है। कश्ती है वो पानी के बगैर चल नहीं सकती, जब तक पानी ना हो उस वक्त तक कश्ती चल नहीं सकती। तो इंसान की मिसाल पानी किसी है और दुनिया के माल दौलत की मिसाल पानी किसी है, कि जिस तरह कश्ती बगैर पानी के नहीं चल सकती, इंसान बगैर माल दौलत के जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन ये पानी कश्ती के लिए उसी वक्त तक फायदेमंद है जब तक के कश्ती के चारों तरफ हो, आगे हो, पीछे हो, दाएं हो, बाएं हो, तो ये उसको धक्का देता है, उसको चलाता है, उसके पानी के जरिए आदमी सफर, कश्ती सफर तय करती है। लेकिन यही पानी अगर कश्ती के अंदर घुस जाए, तो कश्ती के अंदर अगर घुस गया तो ये कश्ती को तबाह बर्बाद करके छोड़ेगा, ये गर्क कर देगा, ये खत्म कर देगा। इसी तरह दुनिया का माल दौलत जब तक दाएं बाएं है, आगे पीछे है, जरूरत के तहत आदमी उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो वो उसके लिए एक अच्छी चीज है। उसको कुरान ने खैर कहा, उसको फजलुल्लाह कहा, अल्लाह का फजल है। लेकिन अगर वो दुनिया की मोहब्बत इंसान की दिल की कश्ती के अंदर दाखिल हो जाए तो उसको तबाह बर्बाद कर देती है। लिहाजा असल चीज यह है कि मोहब्बत न हो, वो मोहब्बत ना हो कि जो हर वक्त दिलो दिमाग पर बस वही मुसल्लत है, वही काम मुसल्लत है, वही ख्याल मुसल्लत है कि किस तरह ज्यादा कमाऊं, किस तरह ज्यादा माल और दौलत हासिल करूं, किस तरह मेरी कोठी अच्छी हो जाए, किस तरह मेरी गाड़ी अच्छी से अच्छी मुझे मिल जाए, कैसी मेरी सवारी, दिन रात यही फिक्र मुसल्लत है। और हमारे मुआशरे के ऊपर ये, अल्लाह बचाए, ये फिक्र इस तरह छाई हुई है कि दुनिया के हर काम के फैसले इसकी बुनियाद पर होते हैं। कहां से पैसे की तरह मिल जाएंगे, बस उसकी तलब में आदमी सरगर्दा है, उसकी फिक्र में मुनहमिक है।
उसकी वजह से जो आने वाली जिंदगी है, जो हमेशा रहने वाली है, दायमी जिंदगी है, जिसकी कभी इंतहा नहीं, अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में पहुंचने का उसका ख्याल नहीं आता, उसकी फिक्र दिल में तारी नहीं होती कि ये दुनिया तो पता नहीं कितने दिन की है, कुछ पता नहीं, चंद घंटों की है, चंद महीनों की है, चंद सालों की है, अल्लाह ही जाने, कुछ पता नहीं। लेकिन जो आखिरत की जिंदगी आने वाली है, जो कभी खत्म नहीं होगी, उसका ख्याल नहीं आता। हदीस में रसूल करीम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि एमल दुनिया का बेकदरी बकाई कफिया वामल आखिरती का बेकदरी बकाई कफिया, दुनिया के लिए उतना काम करो जितना दुनिया में रहना है और आखिरत के लिए उतना काम करो जितना आखिरत में रहना है। अगर इस तरह देखो तो सुबह से लेकर शाम तक की फिक्र और पेशबंदियां सारी की सारी वो हमारी इस वक्त दुनिया के इस चंद्रोजा जिंदगी के तहत घूम रही है और आखिरत की फिक्र से गाफिल है। उसका नतीजा यह है कि इस मोहब्बत का नतीजा यह है कि झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं, तनाजात हैं और हलाल हराम की फिक्र भी अल्लाह बचाए मिट रही है कि कौन सी चीज हलाल है कौन सी हराम है। अल्लाह तौबा, अब अकलमंद वो समझा जाता है कि जो ज्यादा से ज्यादा कमा ले चाहे हलाल तरीके हराम तरीके से, कोई फिक्र नहीं, वो अकलमंद है। मुझे याद है एक वाकया कि एक साहब थे, उन्होंने इनामी बॉन्ड खरीद रखे थे। इनामी बॉन्ड के ऊपर जो इनाम निकलता है वो शरण नाजायज है, जो असल रकम है वो तो कर्ज है, वो वापस मिल जाए तो ठीक है, इनामी बॉन्ड के ऊपर जो रकम मिलती है वो सूद की रकम होती, वो हराम है। तो एक नेक आदमी थे, उन्होंने किसी वजह से कुछ टैक्स वैक्स की सहूलत हासिल होती है इनामी बॉन्ड खरीदने की वजह से, इस वास्ते उन्होंने इनामी बॉन्ड ले रखे थे। तो उनका उस वक्त की बात है कि इनाम निकल आया और इनाम भी अच्छा खासा था, शायद 50,000 रुपए, कितना अब मुझे मकदार याद नहीं रही, अच्छी बड़ी मकदार थी उस लिहाज, उस जमाने के लिहाज से वो इनाम निकल आया। उन्होंने मसला पूछा तो हमने बता दिया कि भाई ये नाजायज है, हराम है और इसको सदका करना चाहिए, अगर मिल गया तो इसको कहीं सदका कर दे, किसी गरीबों को दे दे। तो उन्होंने फौरन वो इरादा कर लिया। वहां एक वजह से बैठे होते, उन्होंने बेसाख्ता उनके मुंह से निकला, अरे बेवकूफ, इतनी बड़ी रकम और उसको तो छोड़ रहा है, और कोई इंतजाम मुझे दे दे। यानी वो इस तरह बे इख्तियार, उनको ये बात इंतहा दर्जे की हमाकत और बेवकूफी मालूम हुई कि आदमी हराम समझकर किसी पैसे को छोड़ रहा है। दिमाग पर वो मुसल्लत था कि भाई ये तो एक बहुत बड़ा मफाद है, बहुत बड़ी बहुत बड़े रकम है, इसको किसी न किसी तरह हासिल करना चाहिए। तो ये जहनियत एक पैदा हो गई। और जब अल्लाह तबारक व तआला हलाल और हराम की फिक्र दे देता है, हलाल और हराम की फिक्र दे देता है जिसको आखिरत की जिंदगी का ध्यान होता है, तो मैं ऐसी मिसालें भी जानता हूं। मेरे सामने एक साहब थे, वो किसी इंश्योरेंस कंपनी के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया था। वो एक जमाने में, उस जमाने के अंदर जो खास कोर्स होता है इंश्योरेंस कंपनी का, एक्चुअरी इसको कहते हैं, तो उसका कोर्स किया था, सारे पाकिस्तान में एक ही आदमी ने किया था, उस वक्त की बात है। उसकी मुलाजमत सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी में हो सकती थी, इंश्योरेंस कंपनी का कारोबार नाजायज होता। तो वो मुझसे मसला पूछने के लिए आ गए कि मेरा मुलाजमत जायज है कि नहीं है। तो हम लोग अपने बुजुर्गों से ये सुनते आए हैं कि अगर कोई शख्स किसी नाजायज मुलाजमत में है, बैंक में या इंश्योरेंस कंपनी में,
तो उसको ये कहना चाहिए भी नाजायज तो है, अलबत्ता जब तक तुम्हें दूसरी मुलाजमत तलाश करो, दूसरी मुलाजमत जब तक मिले तो समझ कर करते रहो कि भाई है तो नाजायज लेकिन मजबूरी में कर रहा हूं, जब दूसरी मुलाजमत मिले तो छोड़ देना। तो मैंने उस नौजवान से कहा कि भाई है तो नाजायज लेकिन तुम जब तक दूसरी मुलाजमत नहीं मिलती तो आप तलाश करो, कोई दूसरा कारोबार, कोई रोजगार मिल जाए तो छोड़ देना। तो उस नौजवान ने मुझसे जो जुमला कहा मुझे आज तक मेरे दिल पर नक्श है। उस नौजवान ने कहा मैं आपसे मसला पूछने आया हूं कि जायज है या नाजायज, मशवरा लेने आया, लिहाजा अगर ये नाजायज है तो बस आज से छोड़ता हूं, अब मैं मुझे कोई इसकी परवाह नहीं है क्योंकि मुझे कब अपने कब्र में सोना है, अपने अल्लाह को जवाब देना है, लिहाजा मैं आज से ही छोड़ता हूं। उस अल्लाह के बंदे ने अल्लाह पर भरोसा करके वो फौरन उसको तर्क किया हराम को, और मुझे पता है मुझे अल्लाह ताला की रहमत से ये उम्मीद भी थी और ये वाकया भी हुआ कि बाद में उसको ऐसी मुलाजमत मिली कि इंश्योरेंस कंपनी की मुलाजमत उसके आगे हेज दरहेज थी, अल्लाह तबारक ने उसको रुतबा बख्शा। तो जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करके मैं ये तवक्कल अल्लाह फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है, और यरज़ुकु मिन हैसु ला यहतसिब, ऐसी जगह से रिज़्क देता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। हलाल का एक पैसा हो उसमें अल्लाह ने जो बरकत रखी है और उससे जो राहतें जो मसरतें दुनिया में भी हासिल हो सकती है और आखिरत में भी इंशाअल्लाह, वो हराम के हजार हार रुपए से हासिल नहीं हो सकते। हराम कमाता रहेगा आदमी और बजाहिर तो गिनती में इजाफा हो रहा है और वो इस खुश हो रहा है कि मेरे बैंक बैलेंस बढ़ गया, लेकिन इधर पैसे आ रहे हैं और उधर घर में बीमारियां खड़ी हो गई हैं, मुकदमे दायर हो गए हैं, वकला की फीसों पर पैसे जा रहे हैं, डॉक्टरों की फीसों पर पैसे जा रहे हैं और बीमारियां खड़ी हो गई है, परेशानियां लायक हो गई हैं, घर में लड़ाई झगड़े खड़े हो गए हैं। अरे पैसा किस काम का, वो पैसा किस काम का जो इंसान को राहत ना दे सके, जो सुकून अता ना कर सके, जो जिसकी वजह जिसके बाद आदमी पुरसुकून जिंदगी ना गुजार सके, वो पैसा किस काम का। लेकिन ये सारी बातें इसलिए पैदा हो रही है कि पैसे की मोहब्बत हो गई, बताते खुद पैसे की मोहब्बत हो गई। हालांकि पैसा ऐसी चीज है ना उसको खा के भूख मिटा सकते हो ना उसको पहनकर अपना लिबास तैयार पहन सकते हो, वो तो जब खर्च करोगे तो मिलेगा और उससे नफा हासिल होगा, लेकिन वो आता राहत पैसा नहीं देता, राहत कोई और देता है, राहत कहीं और से आती है। वो चाहे तो गरीब आदमी की झोपड़ी में वो राहत अता फरमा दे जो अमीर से अमीर आदमियों के बंगलों में और कोठियों में मुयसर नहीं है। वो अगर चाहे तो बड़ी बड़ी कोठियों और बंगलों को भी जहन्नम बना दे इंसान के लिए। तो इस वास्ते अल्लाह तबारक व तआला इस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं इस आयत करीमा में कि खुदा के लिए ये जो तुम्हारी मोहब्बत है, माल कमाओ लेकिन मोहब्बत दिल में ना रखो, मोहब्बत दिल में रखोगे तो ये मोहब्बत तुम्हें तबाह करके छोड़ेगी, तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगी, तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारी तंगियां, तुम्हारे बाहमी झगड़े, तुम्हारी सारी परेशानियां वो इस वजह से है कि तुम्हारे दिलो दिमाग पर दुनिया की और माल की मोहब्बत में मुसल्लत हो गई है। माल बुरा नहीं लेकिन माल की मोहब्बत बुरी है, उसको दिल से निकाल कर हलाल तरीके पर इक्तबा करो और ये सोचो कि दुनिया के अंदर कितनी जिंदगी गुजारनी है उतना उसके लिए काम करें, आखिरत में जितनी गुजारनी है उसके लिए उतना उसका काम करें। और मेरा दीन तो अल्लाह ताला ने ऐसा अता फरमाया है कि ये दुनिया जो कमाओगे इस नियत के साथ, इस नियत के साथ कि हलाल करूंगा और इस नियत के साथ कि मैं अपने नफ्स का, अपने बीवी बच्चों का हक अदा करूंगा, तो ये कमाना भी तुम्हारे लिए इबादत बन जाएगा, ये भी आखिरत का काम बन जाएगा, ये दुनिया का काम नहीं रहेगा फिर, तो ये दुनिया ये आखिरत का काम बन जाएगा और इस वजह से फिर तुम्हारी दुनिया भी दुरुस्त होगी और आखिरत भी दुरुस्त होगी। दुआ तो हम सब मांगते हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कि दुआओं में ये बहुत ज्यादा कसरत से आप मांगा करते थे कि रब्बना आतिना फिर दुनिया हसनतन व फिर आखिरत हसनतन, कि अल्लाह हमें दुनिया में भी अच्छाई अता फरमा और आखिरत में भी अच्छाई अता फरमा। तो दुनिया में अच्छाई ये उसी वक्त मिलेगी जब हलाल की हदूद में रहकर काम करोगे, जब अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम के हदूद में रहकर काम करोगे तो दुनिया की बेशक दुनिया भी की अच्छाई मिलेगी आखिरत की भी मिलेगी। लेकिन अगर खुदा ना करे गलत रास्ते इख्तियार किए, हराम के रास्ते इख्तियार किए, तो फिर आखिरत की तो तबाही है ही, अल्लाह बचाए, दुनिया के अंदर भी तुम्हें राहत नहीं मिल सकती, सुकून नहीं मिल सकता। मैं जानता हूं मेरा इत्तेफाक से राबता हर किस्म के लोगों से रहता है, अमीरों से भी गरीबों से भी, हर तरह लोग फतवे पूछने भी आते हैं। किसी जमाने में मुकदमात भी मेरे पास आया करते थे, अब भी लोग अपने मशवरे, इतनी डाक आती है, लोग मशवरे लेते हैं, अपने ज़ाती हालात बयान करते हैं। यकीन रखो कि बड़े बड़े वो सरमायादार, बड़े बड़े दौलतमंद जिनकी शान और शौकत को देखकर लोग रश करते हैं, जब वो अपने दिल की दुनिया खोलकर मेरे सामने रखते हैं तो मालूम होता है कि जो मामूली मजदूर जो थोड़े से पैसे कमाकर रात को घर में आराम से सोता है वो हजार दर्जा बेहतर है उस दौलतमंद से कि जो परेशानियों के इस भंवर में मुब्तला है। तो भाइयों, ये कुरान करीम हमारे लिए हिदायत का पैगाम अल्लाह ताला ने अता फरमाया कि तुम्हारी बुराई की जड़ यह है कि तुहिब्बून अल माल हुब्बन जम्मा, तुम माल से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगे हो। इस मोहब्बत को दिल से निकालोगे तो फिर इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी दुरुस्त होगी, तुम्हारी आखिरत भी दुरुस्त होगी। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से, अपनी रहमत से हमें इस तालीम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।